तो जी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हमने निकलना तो 7 बजे था लेकिन लेट हो चुके हैं। अभी इस कमरे से करने लगे हैं चेक आउट और अब हमने जाना सिरीपाई की तरफ। तो इंशाल्लाह हमने पैदल ट्रैकिंग करनी है ताकि हमारी कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी निकलें। तो जी हमने कर लिया चेक आउट, अब निकलने लगे अपने सफ़र की तरफ। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं सिरीपाई की तरफ, हमने करनी है पैदल ट्रैकिंग, तो इस वजह से हम जल्दी निकले ताकि जल्द से जल्दी पहुँचे। हमने तकरीबन कम से कम हमारा प्लान था कि हम 7 बजे निकले, लेकिन 7 बजे कहाँ, रात को लेट सोए थे तो इस वजह से 7:30 तो यहाँ पर ही हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं, उम्मीद है कि पैदल ही कर सकेंगे, गाड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सुबह सुबह का व्यू है, काफ़ी अच्छा है देखने को, हर तरफ सब्ज़े ही सब्ज़े। इस टाइम इतना सन्नाटा, बस एक या दो फैमिली, एक हमारे होटल में एक ही है फैमिली मुझे नज़र आई। हाल दो यहाँ अभी 12 बजे के बाद इतना ज़्यादा रश हो जाएगा। अब लोगों की सोच है, जिन लोगों ने जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है वही लोग ही जल्दी उठते हैं, नहीं तो जिन लोगों ने एक दिन और इधर स्टे करना है वो तो फिर नॉर्मली। मैं आपको टाइम तो बताना भूल गया, 8:06 हो रहे। हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट की, देखते हैं कब तक जा पहुंचते हैं। ये देखे जी अंकल रोड को सीधा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ तो आ ही नहीं सकती, ये हाथ वगैरह से ही ठीक करनी पड़ती है। तकरीबन आप इसी रोड पे चलते हुए 1 घंटे का सफ़र करेंगे। ये निशानी बताता हूँ आपको, यहाँ पर पोल लगा हुआ है, ठीक है, उस पोल से आपने ऊपर की तरफ जाना है अगर हाइकिंग कर रहे हैं। अगर जीप पर हैं, जीप पर तो इस साइड से जाएंगे, आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा और इधर से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। लेकिन ये 9 किलोमीटर है, ये लगभग 5-6 किलोमीटर रहेगा जी। ये देखिए यहाँ से आपने ऊपर होते हुए जाना है, आगे जंगल है, जंगल का मज़ा भी लेते हुए जाएं और अपनी हाइकिंग भी करें। हमें ख़तरा भी है कि जंगली जानवर ना आ जाए क्योंकि हाइकिंग वाले हम दोनों ही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना हैवी है, मेरी सांस फूल चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे दीवार पे नहीं इंसान सीधी चढ़ाई कर रहा था, बिल्कुल सेम इसी तरह से ऊपर। तो जी शॉर्टकट रास्ता ख़त्म हो गया, हमें आगे समझ नहीं लग रही थी, 3-4 शॉर्टकट रास्ते थे। तो हमने फैसला किया दोबारा वापस उसी रास्ते पर आते हैं जहाँ पर जीप्स वगैरह जा रही हैं, तो फ़िलहाल उसी रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता लंबा तो है लेकिन चलते हैं आप। तकरीबन हमने आ गया इससे तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे, यानी और पानी पी रहा हूँ। जब चढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो पानी आपको इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो जी हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र कर लिया है, यहाँ पर हमने सोचा थोड़ी सी कुकिंग करते हैं। कुकिंग का सामान है मेरे बैग में, मैं निकालता हूँ। इसमें नूडल्स है, कॉफ़ी है, के लिए दूध वगैरह, ये वो सारा सामान है। चलो शान भाई करें शुरू। ओके जी करते हैं अब शुरू कॉफ़ी बनाना। व्यू चेक करेंगे। तकरीबन जी लगभग हमने सिरीपाई की तरफ आधा सफ़र कर लिया, आधे से तकरीबन ज़्यादा कर लिया। हम आ रहे हैं कहीं से शॉर्टकट, कहीं से गाड़ियां जहां से आ रही हैं वो आ रही हैं। दरअसल शॉर्टकट कहीं ना कहीं से ख़त्म हो जाता है या फिर 2-3 हिस्सों में तकसीम आ जाता है, वहां पर हम हो जाते पज़ल। तो हम यहां पर करने लगे हैं कुकिंग, शान भाई कर रहे हैं सामान तैयार और मैंने बैग से निकाल कर रख लिया, इसमें नूडल्स और कॉफ़ी वगैरह का सामान है। फ़िलहाल चलिए जी बनाते हैं। कौन से बनाओ, ग्रीन वाले या रेड वाले?
ज़्यादा चिली पसंद करते हो या के? जो दिल करे, जो आपको पसंद है वो वाला। ग्रीन बनाते हैं, मैं चिली पसंद नहीं करता इतनी। तो जी पानी हमने रख दिया और नीचे आग चला लिया। अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं तो ये वाला चूल्हा और साथ में गैस का, यानी कि बेसिकली इसे आप सिलेंडर कह सकते हैं, ये लाजमी साथ में रखें ताकि कहीं भी कुछ भी बनाना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे पास था और हमारे काम आ गया और अब हम नूडल्स तैयार कर रहे हैं अपने। तो जी हमने नूडल्स डाल लिए हैं, लेकिन उन्हें बनने में टाइम लग रहा था क्योंकि सारी भाप वगैरह बाहर निकल रही थी, तो इस वजह से हमने ऊपर नूडल्स का इस्तेमाल करते हुए उनके रैपर को ऊपर रखा है। और ये हम खास ख्याल रखेंगे जो जितने भी रैपर हैं ये शॉपर में डालकर अपने साथ नीचे लेकर जाएं। और ये हमने चम्मच तैयार किए हैं, मैं आपको दूसरा भी चम्मच दिखाता हूँ, ये शान भाई ने तैयार किए हैं हमारे लिए। ये शुक्रिया शान भाई। थैंक यू। तो जी हमारे हो चुके हैं नूडल्स तैयार, जहाँ पर इन नूडल्स ने होना था 2 मिनट में तैयार, और नूडल्स वाले भी कहते हैं कि 2 मिनट में हो जाएंगे तैयार, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से और हवा की वजह से ये 10 मिनट में भी, आई थिंक 15 मिनट लग चुके होंगे। और हमने नाश्ता भी नहीं किया था, ये समझ लें हमारा नाश्ता भी है जो। शान भाई इसकी कर रहे हैं सफाई, आज दो सफाई नहीं हो रही थी, लेकिन शान भाई ने इतना VIP आइडिया निकाला है जिससे इसकी सफाई होगी चुकी है। और अब अपना सामान पैक कर रहे हैं और चल रहे हैं। देखिए फुल चमक गया है। अच्छा जी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं धूप तेज़ हो रही है, लेकिन सर्दी भी बढ़ रही है। आल दो इन नूडल्स ने इतना ज़्यादा मज़ा दिया है ना, जैसे कि सिरी पाए की तरह जा रहे हैं, पाए खाने मैं कह रहा हूँ कि पायों से भी ज़्यादा मज़ा आया। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और अब बिना रुके टुके झुके अब सीरी पाई में ही जाकर होगी मुलाकात। पैकिंग हो रही है, सफ़र स्टार्ट। जो रैपर ऊपर थे वो भी हमने उठाकर अपने बैग में डाल लिए और अब दोबारा सफ़र कर लिया स्टार्ट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द पहुंच जाएंगे। ये शॉर्ट रास्ता तो ज़रूर है, लेकिन एक गलती और जान से भी हाथ धो बैठोगे। ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है, अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो स्लिपरी जूते मत पहनना ताकि गिर ना जाओ। और ये सारा रास्ता ही इसी तरह से चढ़ाई पे चढ़ाई, जिसे क्या बस हो जाती है। ये चढ़ाई जी बहुत ज़्यादा सीधी है, बहुत ज़्यादा, यूँ पहाड़ियों बिल्कुल सीधा है। अभी हमने सोचा था कि सीधा ऊपर जाकर ही सांस लेंगे, लेकिन महाल हो गया ऊपर आना, बिल्कुल सीधा है। लेकिन जहाँ भी चले जाएं गंद आपको मिलेगा, डेरी मिल्क डक इधर, डेरी मिल्क बिस्कुटों के रैपर शॉप पर, ये बहुत कुछ। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब मैं इस तरह के व्यू देखता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। अगर हम गाड़ी पे आते तो ये व्यू कभी नहीं मिलना था। ओए होए होए क्या व्यू है, वो थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है शुक्रान है, ये गाड़ियों वाले मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। हाल तो मैं तो पहुंच गया। तो जी ये है सीरी झील जो कि अब खुश्क हो चुकी है, थोड़ा बहुत अब पानी बचा। और इधर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जीप रुक रही है, लेकिन अब तो जी ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सीरी की झील है, सीरी झील
और ये अब खुश्क हो चुकी। हम लेकर आए थे 2 बोतलें पानी की, मैं अपने लिए, वो दोनों मैंने ख़त्म कर लिए। इसमें भी पानी नहीं, उसमें भी पानी, शान की बोतल में भी पानी नहीं, शान उधर पूछ रहा चीज़ें क्या बाप आई नहीं। तो ऐसा व्यू मिलेगा, इधर छोटी सी शॉप है यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। तो जी यहाँ पर चारपाई जो पड़ी हुई थी वहाँ पर लेट गए, यहाँ से चाय वाय पियेंगे और फिलहाल पैदल आए, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हुए, और कुछ सुकून भी मिल जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगी। और ये व्यू क्या कहेंगे, हाय हाय हाय, सामने पहाड़ों पर बर्फ़ है और बर्फ़ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे है ना कोई सामने फ्रेम है या वॉलपेपर है। तो जी अंकल लेकर आए हमारे लिए चाय, शान भाई ने अपनी चाय ले लिया, ये अंकल है, फिलहाल चाय पीते हैं। इतना पैदल सफर किया, एक कप चाय का अपना ही मजा है। बिस्कुट साथ ले ले, ओए होए मजा आ गया। मुझे ये बता बिस्कुट साथ ले ले क्या, जो दिल करता है शान भाई। मैं लेके आता हूँ। फिलहाल ये व्यू देखते हैं और चाय पीते हैं, इसका अपना ही मजा है। ओए होए मजा आ गया। तो जी अभी हो चुकी थी बूंदाबांदी स्टार्ट, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ही रुके हुए थे, अब निकल चुके हैं दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ऑल दो पहले भी पता था लेकिन यहाँ पर मिस गाइड हो गया ज़रा। ये जो है ये सीरी है, पाए आपको आगे मिलेगा। अब जा रहे हैं पाए की तरफ, तो देखते हैं कि पाया कैसा रहता है। सीरी पाए, यहाँ से पहले आपको सर मिलेगा, बाद में पाए मिलेंगे। तो फिलहाल चल रहे हैं आप उसकी तरफ।